रावसर क्षेत्र में ईंट भट्टों पर दूरदराज के क्षेत्र से किया जा रहा मिट्टी का अवैध रूप से परिवहन आम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। क्षेत्र में इन दिनों दर्जनों संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां व डंपरों में ओवरलोड मिट्टी का परिवहन बेखौफ किया जा रहा है। उपखंड क्षेत्र के चक 12 से रावसर आने वाली सड़क पर कुछ लोगों ने ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर विरोध भी जताया था। परेशान लोगों के आरोप है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 200 से 250 क्विंटल तक मिट्टी ओवरलोड करके बिना ढके हुए अवैध रूप से परिवहन की जाती है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र की लिंक सड़कें ओवरलोड के चलते टूटती जा रही है। साथ ही बिना ढके मिट्टी का परिवहन करते ये ट्रैक्टर छोटे दुपहिया वाहन चालकों को साइड नहीं देते। वह बाइक चालकों को हवा में उड़ती मिट्टी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हर समय दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। आपको बता दें कि रावसर क्षेत्र में ईंट भट्टों पर काम में ली जाने वाली मिट्टी को अवैध तरीके से खनन कर परिवहन करना अब आम बात हो चुकी है। मेगा हाईवे सड़क से लेकर लिंक सड़कों तक दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन खनन विभाग है कि इस मामले में कानों में तेल डाले बैठा है। लोगों का कहना है कि खनन विभाग इस पर अगर एक्शन ले तो उन्हें निजात मिल सकती है, लेकिन खनन विभाग यहाँ किसी न किसी मिली भक्ति के चलते चुप बैठा है। खनन विभाग को बार बार शिकायतों के बावजूद कहीं भी यह दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा है और उसके चलते आम जनजीवन है उसको भी खतरा पैदा हो रहा है।